मोदी जी सुन रहे तो मैं डरती नहीं हूँ मोदी से। तुम्हें भी कुर्सी पे बिठाना जानती हूँ तो तुम्हें कुर्सी से गिराना भी जानती हूँ। मैं घर भी चला सकती हूँ तो मैं देश भी चला सकती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय नहीं मिला है। आए दिन हम पे रेप होता है, शोषण होता है, हमें रात को जलाकर मार दिया जाता है, तो फिर हम न्याय मांगेंगे ना? आपको कुर्सी पे बिठाए हैं, अगर आपको दम है तो कुर्सी खाली करो। मोदी जी ने मणिपुर गए, महिलाओं को लंगड़ा करके घुमाया गया, आज तक मोदी जी ने पूछा नहीं, पूछा क्योंकि मोदी जी को इसका दर्द नहीं है, क्योंकि मोदी की बीबी नहीं है। बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं महिलाओं के, वो रहे थे लाल किले से बोल रहे थे, पहले तो नहीं देखा, वो ऐसे बंद गए, ऐसा हो गया। ऐसे आंखें बंद करके काला रंग चढ़ा के महिलाओं के बारे में उन्होंने झूठ बोलकर अपना पल्ला भारी किया। हमें नहीं लगता है, अगर वो सही से होते तो आज हम रोड पे ना होते। आप मीडियाओं के माध्यम से भाइयों आप ही दिखाते कि मोदी जी ने अच्छा किया है, कहीं हमें न्याय नहीं मिला। उनके ही सांसद रात को हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं और सुबह उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो क्या हमें न्याय मिला है? अगर मोदी जी आपको सुन रहे हो तो क्या कहेंगे उनसे? पानी जहाँ पे पानी नहीं उधर डूब मरो, झूठे मोदी हो। प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ? हमने बनाया है आपको, हमने कुर्सी दिया है। तीसरी बार आपने बनाया, झूठ नहीं हमने नहीं, मोदी जी के झूठ नहीं। मोदी नहीं रुकेगा, मोदी जी सुन रहे तो मैं डरती नहीं हूँ मोदी से। मैं अपना हक संविधान से मांगना जानती हूँ, तुम्हें कुर्सी पे बिठाना जानती हूँ तो तुम्हें कुर्सी से गिराना भी जानती हूँ। मैं घर भी चला सकती हूँ तो मैं देश भी चला सकती हूँ। आज आप न्याय की देवी क्यों बन रही हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय नहीं मिला है। आए दिन हम पे रेप होता है, शोषण होता है, हमें रात को जलाकर मार दिया जाता है, तो फिर हम न्याय मांगेंगे ना? आपको कुर्सी पे बिठाए हैं, अगर आपको दम है तो कुर्सी खाली करो, हम खुद लड़ेंगे। कहते हैं कि मोदी का विरोध देश का विरोध, झूठा मोदी है। खुद का नाम बनाने के लिए झूठे लोगों पे केस करके सरकार बनाई है, बीग बन के सरकार बनाई है। देश के लिए समर्पित है, 18 घंटे काम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी 18 घंटे काम नहीं करते, 4 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे सो जाते हैं मोदी जी। अगर आप जिंदा होते तो महिला आज रोड पे ना होती। लोटा भी साथ में, तराजू भी साथ में, थोड़ा दिखाएं लोटा वगैरह क्या है? लोटा दिखाइए, लोटा में क्या है? ये भर के देंगे बोला था। अच्छा, आपको हर जगह हम फंड देंगे, हम आपको अभिवृद्धि करेंगे कहा था, कुछ नहीं दिया, खाली दिया। लेकिन बजट में 3 लाख करोड़ महिलाओं को दिया, कहाँ पे दिया? सिर्फ बोला है उन्होंने, वो अगले साल जब सरकार बनेगी ना, झूठ से भरा हुआ है, इसलिए झूठ को साथ लाए हैं। भरोसा रखिए थोड़ा। कितना भरोसा करोगे? 10 साल तो भरोसा किया है, क्या हम मरने के बाद, क्या मोदी मरने के बाद हम भरोसा छोड़ देंगे? 5 साल और ले लीजिए, भीख मांग के सरकार बनाई। अगर आप इतने सही होते तो आपको भीख मांग के सरकार नहीं बनानी थी, भीख मांग के सरकार बनाई आपने। अगर आपको इतना अभिवृद्धि क्या बोलते हैं उसको, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर आपने अपने दम पे सरकार की नहीं, भिक्षा मांग के 40 साल गुजारा मोदी ने, भिक्षा मांगे 40 साल, भिक्षा नहीं मांगा उन्होंने, मोदी जी ने कहा था कि मैं चाय बेचाऊ, जहाँ पे स्टेशन भी नहीं है, स्टेशन का नाम बोलते हैं। अभी मोदी जी ने चाय बेच के प्रधानमंत्री बने और अभी देश बेच के खाली पतीला रख रहे, खाली हमें देश को बेचा बेच रहे ना। गरीबी महंगा हो गया। अडानी अंबानी को बढ़ा दिया, क्या आप भी माध्यम के भाई लोग हो, दूर में रुके हो, क्या आपको अमीर बनाया है उन्होंने? क्या अमीर बनाया है? कोई अमीर, कोई वो कहते थे हवाई चप्पल में पहनने वाला, मैं इसको एरोप्लेन में लेके जाऊंगा, कोई नहीं गया, पैर में चप्पल भी फट गए, बदन कपड़े भी फट गए, क्यों है मोदी तुम पे? गरीब जनता से, गरीब जनता का ख्याल रखते हैं, गरीब परिवार से आते हैं मोदी जी है? वो माँ को लेके, मेरे को तो मालूम है, आपको मालूम नहीं है, बताओ मालूम है, इसलिए उनका झूठ का पल्ला खोलने के लिए इधर आए हैं।
कर्नाटका की महिलाओं ने उनको लात मार के बाहर खड़ा है, 130 में 6 सीट ला के लात मार के बाहर खड़ा है, क्योंकि इतनी सख्त महिला कर्नाटका की रखती है। आने वाले दिन में आपने कहा था कि 400 पार, 300 पार भी नहीं करवाया हमने, आने वाले दिन में आप 50 भी पार नहीं करवाए।